में लगाएंगे। हाँ हम लोग जाएंगे, हम लोग कैंटोनमेंट के पुलिस प्रशासन जो आएगा देखा जाएगा। जब ऐसे भी भूखा बच्चा मरेगा ऐसे भी मरेगा। कौन हम के कमाएंगे कि यहाँ तक जवान बेटा तो ही ना लगे अलग बेटा से सिराई गला। जीने खाने जी इतना का कितना का पेट चलता है यहाँ पर से रोजी रोटी चल रहा है कितना का ही हो रहा है। हम लोग वहाँ का सुन नहीं ला रही विधवा उधवा का बात है कि नहीं सुनिएगा आप लोग। छोटा बच्चा है मेरा कमा के कहाँ जाएंगे बितलांग है इसमें रात। सब हटाइए हम लोग हटने के तैयार है सब हटाइए खाली करेगा तब जाएंगे सब। हाँ क्या उठाएगा रानी विधवा आदमी हम लोग है कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे। हमको नौकरी दीजिए नौकरी दीजिए हम लोग नौकरी करने के लिए तैयार है मैला फेंकने के लिए तैयार है सरकारी नौकरी दो हम लोग के। एकाएक यहाँ पर एक व्यक्ति बेहोश हो गया अचेत होकर अधेर पड़ गए हैं। रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा फिर से इनक्लॉचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है और इस बार का इनक्लॉचमेंट ड्राइव रामगढ़ टेकर स्टैंड में है मतलब पुरानी सब्जी मंडी जहां पर लगती थी उस जगह पर है। आप नज़ारे को देख सकते हैं कि लगभग टेकर स्टैंड में बड़ी तादाद में दुकान लगते थे जो अभी खाली होते नजर आ रहे हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से खुद वेंडिंग जोन की ओर जा रहे हैं और आपको बता दें कि करीब 200 से ज़्यादा नए बस स्टैंड में वेंडिंग जोन बनाया गया जिसमें कि ये लोगों का अलॉटमेंट है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लोग रह रहे थे जिसके कारण कि वहाँ के लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा था। और आज उसी स्थिति को पाटने और उनकी समस्या का निदान करने के लिए छावनी परिषद की टीम पहुँची है और इन लोगों को अपील और आग्रह कर रही है कि आप यहाँ से हटाएं। ये आग्रह अपील का दिन है अगर नहीं हटाएंगे तो अगली बार कार्रवाई होगी। छावनी के द्वारा बोला गया है कि हटना है हट रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो वहाँ सब सब जाएगा तब हटेंगे और नहीं तो फिर हम लोग हट जाएंगे और फिर एक दुकान से चार दुकान नहीं लगाएगा आदमी एक आदमी है दूसरों के दुकान में लगा रहे कोई अगर जिस दुकान नहीं है तो चार दुकान लगा रहे नहीं लगाने दे रहा। आपका भी वहाँ पे वेंडिंग जोन में दुकान है सर? हाँ किसी का नहीं है तो अगर चार दुकान में कहा लगाएगा उसको जगह दिया जाएगा ना तो एक नहीं दे रहा है जगह वहाँ एक आदमी चार गुम लगा रहे। मेरा दुकान नहीं है हमको दुकान चाहिए मेरा हम दुकान नहीं लिए हमको दुकान चाहिए। छोटा बच्चा है मेरा कमा के कहाँ जाएंगे बितलांग है इसमें रात। वहाँ तो वेंडिंग जोन बनाया गया बोल रहा आपको जाने मेरा दुकान नहीं है तो यहाँ क्यों नहीं लगा मेरा दुकान दीजिए वहाँ हम लोग लगाएंगे और अंदर वाले को भी भेजिए हम लोग यहाँ मंडी से ले जाएंगे यहाँ सामान हम लोग का गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। अब इन लोगों का एक और नया मसला चालू हो गया न्यू वेंडिंग जोन जो है अब तक वहाँ पर शिफ्ट करने की बात आ रही थी लेकिन अब इन लोगों की बातें आ रही हैं कि अंदर में जो लोग हैं पहले उनको हटाएं और तमाम लोगों को हटाएं तब ये लोग यहाँ से जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ सब गठ हटाइए अब ये सब गठ बेचते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सड़ाएंगे सब हटाइए हम लोग हटने के लिए तैयार है सब हटाइए टोटल हटाइए पूरा हटाइए आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में छावनी परिषद के द्वारा यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है इस बार सब्जी मंडी और एकाएक यहां पर एक व्यक्ति बेहोश हो गया अचेत होकर अधेर पड़ गए हैं। विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्पोर्ट्स शूज 10-30% तक के विशेष छूट के साथ तो आज ही आए गुप्ता फुटवियर संजय मार्केट गोला रोड चट्टी बाजार बगड़िया ब्रदर्स के अपोजिट रामगढ़ कैंट रामगढ़ दिन के लिए टेन देते इतना भक्तों नहीं होता ना एक दिन के लिए टेन देते आप लोग ठीक खाली करवाने चाहते खाली कर देते एक दिन के लिए टेन देते अभी को क्या इतना भक्त। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि छावनी परिषद को एक दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए था अल्टीमेटम के बाद यह कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक व्यक्ति अचेत हो गया जिसको लेकर लोगों के अंदर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इनका मांग है कि इसको खाली कराया जाए तब ये लोग जाएंगे। यहाँ खाली करेगा तब ये जाएंगे सब। हाँ तो कहले जब भी अंदर में झोपड़ी अति कारखाना रहेगा तो बाहर में झोपड़ी रहबे न करेगा। देखिए बड़ा कैसे हो रहा है बाप दादा खानदानी पुराना मार्केट मंडी नहीं चलेगा नहीं यही रहेगा मंडी यहाँ रहेगा मेरा बाप दादा कई फ्री प्रशासन सब लोग आए हुए हैं पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं कई फ्री खत्म हो गया पैसा बिक गया मार करके उठा पटा रहा है उठा रहा है मार धार करके क्यों उठाएगा रानी विधवा आदमी हम लोग है कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे हमको नौकरी दीजिए नौकरी दीजिए हम लोग नौकरी करने के लिए तैयार है मैला फेंकने के लिए तैयार है सरकारी नौकरी दो हम लोग के। ये दिन टाइम देता कम से कम हम लोग कल निकाल दे हरा देते अभी हरा आइटम में कहाँ कहाँ करे हम लोग नहीं कर लेते सुबह 6 बजे कहे नहीं कर लेते 6 बजे यहाँ माल लोड नहीं करे देते
मोहरा जाएंगे ना उधर वेंडिंग, नहीं लेना देता ये सामान, नहीं लेना देता। बोल दिया हम लोग का कोरोना है, कोरोना का के वहाँ ले गया, वहाँ से छावनी परिषद भी आई है तो जाएंगे आप लोग? हम लोग कहीं रहेंगे, सब हम लोग खानदानी है। मेरा बाप दादा कई फिर सिर आ गया, हम लोग कहीं रहेंगे भैया। जो यहाँ मंडी रहेगा तो यहाँ बेच जाएंगे, वहाँ जो लेने वाला है वो बोलता है कि नहीं बेच, बिकता है नहीं बिकता है, इसी के लिए यहाँ दुकान लगा जाता है। किसान महत्वान लोग यहीं बेचना स्टार्ट कर देता है खुला, वहाँ हम लोग को माल सड़ जाता है, वहाँ नहीं बिकता। मंडी रहेगा यहीं पर रहेगा, यहीं पर लेकिन नहीं, तो अवैध जगह दुकान नहीं लिए। ये भारी विरोध का नजारा यहाँ को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और जहाँ वेंडिंग जोन वाले लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से सब्जी मंडी को जो अवैध तरीके से लग रहा है उसको हटाया जाए, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जब स्थिति देखी गई, जब छावनी परिषद की टीम यहाँ पर आ रही है और अल्टीमेटम देते हुए कि आप अगर यहाँ से आज नहीं हटाते हैं, वेंडिंग जोन नहीं जाते हैं तो आप पे फाइन और सख्त कार्रवाई होगी, तो इन लोगों ने नया ही यहाँ पर विवाद खड़ा कर दिया कि वो जो अंदर में जो खुद थोक विक्रेता लोग हैं उनको हटाया जाए तभी लोग जाएंगे। बिल्कुल तभी ना बाहर वाला हटेगा, कोई ऐसा थोड़ी होता है। अंदर वाला लड़ाई है तो बाहर वाला क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? सब कहीं जाए, कीजिए सपोर्ट आइए। हाँ ऐसा कोई नियम है भैया, आदमी को दुकान लगा हुआ क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? गरीब को जीने खाने दीजिए, गरीब को जीने खाने दीजिए। इतना कितना का पेट चलता है यहाँ पर से, रोजी रोटी चल रहा है, कितना का ही हो रहा है। हम लोग वहाँ का सुन लिया, विधवा उधवा का बात नहीं सुनिएगा आप लोग, वहाँ का सुन लिया कैसा वैसा है। कौन है यहाँ पर, किसका हम लोग कोई सहारा नहीं है। हम लोग तो बाल बच्चा है, पेट रेंट घर में रहते हैं, कहाँ से किराया देंगे करेंगे, वहाँ चलता नहीं है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय और जिला प्रशासन के लोग, इस मसले का अस्थाई निदान करना होगा कि वेंडिंग जोन में तमाम लोग जाएंगे, आधा लोग इधर आधा लोग उधर अगर रहेंगे तो ये विवाद उत्पन्न होती रहेगी। हम छावनी परिषद के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यह जो विवाद जन्म ले रहा है इसका अस्थाई निराकरण क्या होगा। और रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान रामगढ़ के टेकर स्टैंड में चलाया जा रहा है, मतलब वेंडिंग जोन में यहाँ पर अवैध तरीके से जो सब्जी विक्रेताओं के द्वारा लगाया गया दुकान उनको हटाया जा रहा है, आगरा पील और चेतावनी भी दी जा रही है। और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब टीम का लीडिंग कर रहे हैं श्रीनिवास राव जी, छावनी परिषद के अधिकारी हैं। क्या प्रयोजन है आज जो यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान? विशेषकर इन लोगों को वहाँ पे बसाना है, इन लोगों को ऑलरेडी अलॉटेड है और जब फिर भी ये लोग यहाँ आकर, हम लोगों का ये बस स्टैंड है, ये पार्किंग स्पेस है, ठीक है ना, इसको कब्जा किया हुआ है जिसके कारण शहर में काफ़ी पार्किंग का व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ है। तो आज अगर इसको हम लोग खाली कराते हैं, पुलिस को हैंडओवर करेंगे, पुलिस प्रशासन को, और वो इसको पार्किंग स्पेस के रूप में इस्तेमाल करें। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पे पार्किंग रहेगा, ऑटो स्टैंड रहेगा, ट्रेकर स्टैंड रहेगा। अच्छा, मतलब छोटे चार पहिया जो कमर्शियल? जी हाँ। अच्छा, इन लोग जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, इन लोग कह रहे हैं कि वेंडिंग जोन में उतना व्यवस्था नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है जितने ये लोग हैं, किसान लोग? नहीं, क्या व्यवस्था चाहिए उनको वो बताएं, वो व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कैपेसिटी का जहाँ तक बात है, जितना कैपेसिटी है उतना तो लोग को हम लोग ने अलॉटमेंट किया, उसके बावजूद भी 70-80 दुकान अभी बचा हुआ है, लेकिन जाए तो सही। अच्छा, स्थिति देखी जाती है कि एक बार आप हटा देते हैं, ड्राइव चला देते हैं, फिर से जस की तस वाली स्थिति आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग एक बार हटाए नहीं, दो बार नहीं, कई एक बार हटाए हैं। अभी क्या होगा, इस बार आकर बैठ जाते हैं? इस बार का क्या है? इस बार बिल्कुल पार्किंग स्पेस रहेगा ये। अच्छा, एक्सक्लूसिवली अंदर वाले लोगों को हटाने की इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि अगर अंदर को नहीं हटाएंगे तो हम भी नहीं। पहले ये तो हटे ना। अच्छा। पहले ये हटे, हम लोगों का पार्किंग का स्पेस बना लें हम लोग, उसके बाद देख। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें